Ready? Good morning, friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to start our new chapter in standard 9, chapter number 9, force and law of motion. First, everybody have ingredient in mind, which is called the force. Law of force is the push or pull on an object with mass that causes it to change velocity per unit time or with respect to time means acceleration. A force have vector quantity. First of which is called force. जब भी कोई object है उसे हम क्या करते हैं, push करते हैं या pull करते हैं. Object है, object have a mass. तो mass with acceleration, mass with acceleration is called force. Acceleration की define है जो previous chapter है, chapter number 8, उसमें आपको बताया है कि change the velocity per unit time is called acceleration. Change the velocity with respect to time is called acceleration. Then again I explain you which is called the force. Force is the push or pull on an object with mass that causes it to change velocity means acceleration. Force have a vector quantity because of जो भी ऑब्जेक्ट है उसके पास मास भी है और डायरेक्शन भी है, बहुत है, इसलिए क्या है वेक्टर क्वांटिटी है. एम इक्वल टू एम डीवी अपॉन डीटी. चेंज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सलेशन. चेंज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सलेशन. एफ इज फोर्स, एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ए इज एक्सलेशन, देन एफ इक्वल टू एम ए यूनिट ऑफ फोर्स. एम मास का यूनिट क्या है, केजी किलोग्राम. एक्सलेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स हैव आल्सो हैव अ यूनिट इन एमकेएस मेथड न्यूटन. न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स. इट इज आल्सो यूनिट ऑफ फोर्स. वन न्यूटन इज इक्वल टू वन न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डायमीटर. न्यूटन है वो क्या एमकेएस पद्धति है. कौन सी है, एमकेएस मेथड. एमकेएस मेथड डायन कौन सी है, सीजीएस मेथड. सीजीएस मेथड. नाउ वी नोन दैट वी रीड इन प्रीवियस ईयर देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इट्स एक्स्ट्रा. बट इन आवर सिलेबस जनरली देर आर टू टाइप फोर्स, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स. अगेन आई एक्सप्लेन यू विच इज कॉल्ड फोर्स. फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉजेस इट्स वेलोसिटी चेंजेस मीन्स इट हैव एक्सलेशन. फोर्स हैव अ वेक्टर क्वांटिटी. एम इक्वल टू एम डीवी अपॉन डीटी मीन्स change the velocity with respect to time is called acceleration. Then we get F is equal to M into A. Means mass with acceleration is called force. Force have a unit. Mass ka unit kya hai? Kilogram. Acceleration ka unit meter per second square means kilogram into meter per second square. Force have also Newton unit. 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 टाइम. एमकेएस मेथड में फोर्स का यूनिट है न्यूटन और सीजीएस मेथड में कौन सा डायन है. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एक्सेट्रा. बट देयर आर इन आवर सिलेबस मेनली टू टाइप फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स आर फोर्स वेयर टू फोर्सेस of equal size act on body in opposing direction is known as balanced force. In balanced force a body continues to be in its position. Balanced force kaise kehte hai, which is called the balanced force. Suppose it is a marker. We apply two force on this marker with equal size and
equal magnitude. Here from here. B applied two force on this marker, then it does not change its position because of both the force have equal magnitude and opposite direction. दोनों force का क्या magnitude कैसा है, equal है, direction कैसा है, opposite है, ठीक है, इसलिए क्या करेगा, rest में रहेगा, move नहीं करेगा, it remains its in position. अब force here two force of equal size. ये दोनों फोर्स का साइज क्या है, इक्वल है, एक्ट ऑन बॉडी डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, इट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स. इन बैलेंस्ड फोर्स ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स पोजीशन. जो बॉडी की जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, वही सेम पोजीशन रहेगी, रिमेन इन इट्स पोजीशन, पोजीशन डज नॉट चेंज, व्हिच इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स. अ फोर्स वेयर टू फोर्स एक्टिंग इन opposite direction on a body are not equal in magnitude and in size, and in size is known as unbalanced force. Which is called unbalanced force? Unbalanced force में भी यही कोई object है, उसके ऊपर apply करना है two force. लेकिन दोनों force का क्या है? Size अलग है, magnitude अलग है, और direction क्या है? Opposite है. Direction opposite है. अगर इस side से magnitude ज़्यादा होगा, तो दूसरी side क्या उसको करेगी? Pull करेगी. क्या करेगी? पुल करेगी, देन इट्स पोजीशन चेंज. तो ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सपोज ये मार्कर बी एम अप्लाई फ्रॉम हियर फोर्स एंड हियर आल्सो फोर्स, देन व्हिच इज द फोर्स इज मोर, राइट हैंड साइड, देन इट चेंज इट्स पोजीशन, देन इट चेंज इट्स पोजीशन. अगेन आई एक्सप्लेन यू, आर फोर्स बैलेंस फोर्स, आर फोर्स वेयर टू फोर्स ऑफ इक्वल साइज एंड आल्सो इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन इज नॉन एज बैलेंस फोर्स. इसमें आपने देखा होगा फेविकोल की एड आती है, दो हाथी थे बीच में एक राउंड गोल होता था, दोनों हाथी उसको अपनी अपनी तरफ खींच कर रहे, तो गोल क्या चिपका रहता था, मतलब तो क्या उसकी पोजिशन है, गोल क्या करता था, चेंज नहीं करता था. तो उस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स में क्या है, दोनों तरफ से आप फोर्स एक्ट करोगे, जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा और जिस तरफ फोर्स कम होगा, जो दूसरा फोर्स कम होगा तो उसकी तरफ क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा. तो उसको क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स. अब फोर्स देयर टू फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ बॉडी आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन साइज इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स. इन अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, और बैलेंस फोर्स, इन बैलेंस फोर्स अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इट्स पोजीशन. बैलेंस फोर्स में जो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, अनबैलेंस फोर्स में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर देती है. हैव अ नाइस डे. इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू.